वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा लोकमत के संस्थापक संपादक जवाहरलाल दरडा की जन्म शताब्दी और लोकमत के नागपुर संस्करण के स्वर्ण जयंती महोत्सव के उपलक्ष में रविवार को नागपुर में लोकमत नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और सांसद अनुराग ठाकुर उपस्थित रहे। क्या भारतीय मीडिया का पूरी तरह ध्रुवीकरण हो गया है? इस विषय पर आयोजित किए गए चर्चा सत्र में वक्ताओं के विचार सुनने के लिए बड़ी संख्या में राज्य तथा विदर्भ के मीडिया क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार, पत्रकारिता पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। दैनिक के रूप में लोकमत का शुभारंभ किया, प्रकाशन प्रारंभ किया। लोकमत के नागपुर संस्करण से स्वर्ण जयंती वर्ष लोकमत ने पूरा किया है और साथ ही साथ में लोकमत के पितृपुरुष आदरणीय बाबूजी का भी ये जन्म शताब्दी वर्ष शुरू है। आज लोकमत पूरे राज्य में, गोवा और दिल्ली में अपने पाठकों की सेवा कर रहा है। ये दौरे खुशी के मौसम के तहत आयोजनों की शुंखला चल रही है और इस आयोजन के शुंखला में यह लोकमत मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, चिंतन का आयोजन किया है। आपने मुझे निमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपका कल मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने स्वीकार भी किया और उसका एकमात्र कारण है कि मैं राजनीति में तो हूं मगर मैंने भी पत्रकारिता की है, मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की परीक्षा पास की है और वो समय में पास किए जब नागपुर विद्यापीठ था, विद्यापीठ में एक ही कोर्स था जिसके लिए 600 आवेदन आते थे और 40 लोगों का सिर्फ सिलेक्शन होता था। और आज भी वो प्रसंग मुझे याद है कि जब मैंने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को यह पूछा कि भाई कि हमारे यूनिवर्सिटी में विद्यापीठ का एकमात्र बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ये हमारी वृत्त विद्या की डिग्री है, बाकी सारी डिग्रियों में एक खासियत है, मैंने एमकॉम भी किया है, मैंने एमए भी किया है, अगर कोई विद्यार्थी उस परीक्षा में एक विषय में उतना ही विषय देना होता है, जितने विषयों में वो पास है वो विषयों में फिर से परीक्षा देने की उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। मगर विद्यापीठ में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ऐसा कोर्स था, हमें तो 12 सब्जेक्ट थे, अगर मैं एक भी सब्जेक्ट में फेल होता हूं तो वो समय में विद्यापीठ ये कहता था सप्लीमेंट्री में फिर से 12 के 12 सब्जेक्ट लेकर ही आपको ये बैचलर ऑफ जर्नलिज्म करनी पड़ती है। तो मेरे मन में प्रश्न आया, उत्सुकता है, भैया ऐसा क्या महत्व है इस डिग्री को? तब उन्होंने बहुत सही बात कही, एक डॉक्टर डिग्री लेने के बाद अगर गलत दवाई देता है एक व्यक्ति पे उसका प्रतिकूल परिणाम हो सकता है, मगर एक जर्नलिस्ट अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है, बातमी देता है, तो उसका परिणाम सारे समाज पे होने की संभावना है।